नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान विकास केंद्र में। किसान भाइयों, आज बात करेंगे गन्ना की खेती के बारे में। गन्ना की खेती का समय है जो जनवरी से अप्रैल तक चलता है, तो इसको हम जनवरी माह से कभी भी इसको अप्रैल के बीच में कभी भी लगा सकते हैं। इसमें टेम्परेचर की बात करें तो 28 डिग्री से 32 डिग्री का टेम्परेचर अच्छा माना जाता है इसके लिए, जो कम से कम न्यूनतम से 28 और अधिकतम 32-35 तक सर्वोत्तम तापमान होता है। भूमि की बात करें तो काली दोमट मिट्टी सबसे बेस्ट मानी जाती है, जो अच्छी उपज में और अच्छी इसमें वैरायटी के हिसाब से अच्छी उपज देती है, अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा बड़वार के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो बेसल डोज की बात कर लेते हैं। बेसल डोज में गोबर की खादी 3 ट्राली हम बात कर रखा 1 एकड़ के लिए बात करेंगे तो 3 ट्राली खाद फैलाना है आपको। उसमें सरसों की खली लेना है 3 क्विंटल और जिप्सम प्रयोग करना है 20 kg। सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करना है 50 kg और 12-32-16 NPK आता है जो उसको 50 kg। इन सबको खेत में छिड़कवाना है। छिड़कने के बाद मिट्टी पलटने वाले यंत्र से 2 बार गहरी जुताई करवाएं, उसके बाद कल्टीवेटर चलवाएं 1 बार, उसके बाद मिट्टी भुरभुरी बनवाने वाले यंत्र को चलवाएं रोटोवेटर को, उसके बाद बेड विधि द्वारा बेड बनवाएं। बेड विधि से करेंगे आप तो बेड बनवाएं, बेड से बेड की दूरी रहेगी जो 4 फिट रहेगी, बेड की चौड़ाई रहेगी वो 2.5 से 3 फिट रहेगी और ऊंचाई 1 फिट रहेगी। 1 एकड़ में कम से कम 10 से 12 क्विंटल का बीज जो रहता है वो 1 एकड़ में ज़रूरत पड़ती है। 12 क्विंटल तक से 15 क्विंटल तक भी पहुंच जाता है बीज की ज़रूरत पड़ती है। इसमें किस्मों की बात कर लेते हैं तो किस्में हैं जो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो शीघ्र तैयार होने वाली है, यानी 9 से 10 माह में ये तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। इन किस्में में बात करते हैं, सबसे पहली आती है जो कोयम्बटूर शाहजहाँ में 84-36, 88-230, 95-255, 00-235, 0-12-35, ये शीघ्र तैयार होने वाली किस्में हैं जो 10 से 12 महीने में तैयार हो जाती हैं। और 12 से 14 माह की जो किस्में हैं उसमें जो वैरायटी आती हैं वो कोयम्बटूर शाहजहाँपुर में है वो 84-32, 94-257, 84-212, 57-264, 00-57, ये कुछ वैरायटी हैं जो 12 से 14 मंथ ले जाती हैं। सबसे दोस्त किसान भाइयों, सबसे पहले बीज को हम उपचारित जरूर करेंगे, इससे बीज में दीमक से और ज़मीनी कीड़ों से सुरक्षित बनी रहती है बीज के उगने तक। अब बीज बात कर लेते हैं, पौधे से पौधे की जो दूरी रहेगी वो 20 सेंटीमीटर रहेगी और गहराई रहेगी जो 2 से 3 इंच रहेगी गहराई। इसके बाद बात कर लेते हैं खरपतवार प्रबंधन की, तो खरपतवार के लिए निंदाई गुड़ाई सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर इसके अलावा आप इसमें केमिकल में जाना चाहते हैं तो मेट्राविजियन 70% आता है WP फॉर्म में, इसका प्रयोग हम 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। और 2,4-D आता है 58%, उसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं चौड़ी पत्ती खरपतवारों के लिए। ड्रिंचिंग की बात कर लेते हैं तो फर्स्ट ड्रिंचिंग हम जो करेंगे वो 10 से 15 दिन के अंतराल में करेंगे। इसके लिए ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, 1919 1 kg और माइक्रोन्यूट्रेंट्स 1 kg, ये 200 लीटर पानी में मिलाकर ड्रिंचिंग करना है पौधे टू पौधे। उसके बाद जो दूसरी ड्रिंचिंग है वो 20 से 25 दिन के अंतराल में करेंगे। उसके लिए कापर ऑक्सीक्लोराइड को 500 ग्राम, NPK 12-61-0 को 1 kg और क्लोरोपायरीफॉस 500 ml लेके 200 लीटर पानी में घोलना है और ड्रिंचिंग करना है। इसके बाद बात कर लेते हैं कीट प्रबंधक की, जो फंगसी रोग हैं और कीट हैं जो इसमें अटैक करते हैं, जैसे टॉप बोरर है, सूट बोरर है, वाइट ग्रिप है, दीमक है, गोलाकार सुंडी है, पाउडी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, जेसेड, मिलीबग, लट्स और फंगस जैसे अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इसके लिए हम इसमें जो छिड़काव करेंगे वो फर्स्ट स्प्रे करीब 60 से 70 दिन में करेंगे, जिसमें पिरफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन आता है जो 44% 40x4 में, उसको लेंगे हम 500 ml प्लस मैंगोजेप लेंगे 400 ग्राम, इन दोनों को 150 लीटर पानी में मिला के और स्प्रे करेंगे। उसके बाद दूसरी स्प्रे जो हम करेंगे करीब 120 दिन से 130 दिन में, उसमें लेंगे हम क्वांटिस 400 ml प्लस सोलोमन को लेंगे 100 ml प्लस साफ पाउडर लेंगे 250 ग्राम, इन तीनों को 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करेंगे। इसके बाद फर्स्ट खाद का जो इस छिड़काव करेंगे वो 55 से 65 दिन में करेंगे, 60 या 65 दिन में करेंगे। उसमें यूरिया लेंगे हम 40 से 45 kg प्लस जिंक लेंगे 5 kg। और सेकंड खाद का छिड़काव करेंगे जो वो करीब 180 से 200 दिन में करेंगे, उसमें DAP लेंगे 25 kg, SSP लेंगे 50 kg और यूरिया लेंगे 45 kg। किसान भाइयों, उत्पादन की बात कर लेते हैं तो 1 एकड़ में करीब 700 से 800 क्विंटल उत्पादन मिलता है हमें। जो खेती बताई है हमने इस तरीके की अगर करेंगे आप तो 700 से 800 क्विंटल मिलेगा। अगर आप इसमें कुछ भी और स्प्रे या खाद कुछ भी आप इसमें चूक करते हैं तो
उसमें भी कम ज़्यादा हो सकती है, उसमें उपज कम हो सकती है, थोड़ी बहुत फ़र्क आएगा उसका। अगर आप नॉर्मल तरीके से करते हैं तो उसमें 2.5 क्विंटल 350 से 300 क्विंटल तक का एवरेज मिलता है। तो किसान भाइयों, ये जो जानकारी थी 1 एकड़ में गन्ना की खेती की थी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।